नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले में एक बार फिर कहा है कि अफसरों के साथ नजरिए का एक टकराव है, यह आगे भी जारी रहेगा। अशोक चांदना ने कहा, मैंने एक अधिकारी के बारे में लिखा था, जनता की जो समस्याएं होती है उनको एक ब्यूरोक्रेट अलग नजरिए से देखता है। हम नेताओं को रोज जन सुनवाई करनी पड़ती है, हम उन्हीं समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। ये नजरिया टकराव का है, ये शुरू से चलता आया है। सरकार भले ही किसी की रही हो और ये आगे भी चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल बाद दोबारा ये टकराव नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन बाद दोबारा ये टकराव नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी से अब भी टकराव होने के सवाल पर चांदना ने, इश्यूज तो रोज नए आते हैं, जब नजरिया अलग होता है तो उसमें टकराव हो जाता है। नेताओं को देखने का नजरिया अलग होता है, हम जनता की नजर से देखते हैं, हम फर्स्ट हैंड से देखते हैं। हमारी परीक्षा हर 5 साल में होती है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने इससे शिकायत दूर होने और उस समय उठाए मुद्दे के समाधान पर चांदना ने कहा कि पुराने मुद्दे पर 2 से 3 बार जवाब दे चुका हूं, उसमें वही बात है। अशोक चांदना ने मई में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। चांदना ने ट्वीट में लिखा था, जल्लाद झेलने से अच्छा है कि मेरे विभागों का चर्चा कुलदीप रांका को दे दिया जाए। इस ट्वीट को चांदना के इस्तीफे की पेशकश माना गया था। इसके अगले ही दिन चांदना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद उसकी शिकायत दूर हो गई। अब मंत्री अशोक चांदना ने नजरिए के टकराव का हवाला देकर साफ कर दिया है कि आगे भी अफसरों पर सवाल उठा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के कामकाज पर कई मंत्री और विधायक भी सवाल उठा चुके हैं। मंत्री राजेंद्र गुड्ढा, विधायक वाजिब अली सहित कई विधायक ब्यूरोक्रेसी के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। मंत्री विधायक ब्यूरोक्रेसी पर सरकार की योजनाओं के काम में बेवजह अड़ंगा लगाने और मनमानी के आरोप लगाते रहते हैं। अब अशोक चांदना भी उसी राह पर है।